लखनऊ में निवेश के नाम पर लोगों से ठगी की गई है। बड़ी खबर, अलास्का रियल एस्टेट डेवलपर्स ने लोगों को ठगा है। दुबई में बुर्ज खलीफा में निवेश के नाम पर ठगा गया। कंपनी के डायरेक्टर समेत 9 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ठगी के कारोबार का मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। बड़ी खबर लखनऊ से, डायरेक्टर समेत 9 लोग गिरफ्तार इस रियल एस्टेट कंपनी के ठगी का आरोप इस पर, मास्टरमाइंड अभी भी फरार। निवेश के नाम पर लोगों से ठगी की गई है अलास्का रियल एस्टेट डेवलपर्स के द्वारा। दुबई में बुर्ज खलीफा में निवेश के नाम पर लोगों को ठगा गया। इधर नोएडा प्राधिकरण पर सफाई कर्मचारियों का हल्ला बोल दिखाई दिया है। सफाई कर्मचारियों ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। सफाई मजदूर संघ ने नोएडा विधायक को पत्र लिखा है और इसमें कहा है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो धर्म परिवर्तन कर लेंगे और विशेष समुदाय में कन्वर्जन कर लिया जाएगा। बहुत वक्त से इन कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं हुई हैं, इन्होंने पत्र लिखकर धमकाया भी है, धर्म परिवर्तन की धमकी दी है। बहुत बड़ी चेतावनी सफाई कर्मचारी। अंकित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, कितनी तादाद में होंगे सफाई कर्मचारी जिन्होंने ये धमकी दी है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि सैकड़ों की तादाद में सफाई कर्मचारी ने नोएडा के सेक्टर 6 जो नोएडा प्राधिकरण का कार्यालय है उसे घेराव कर रखा और साथ ही धरने पर बैठने पर बैठ गए। उनका कहना है कि अगले 15 तारीख तक इस तरह धरना उनका जारी रहेगा, क्योंकि पहले अब से पहले भी सफाई कर्मचारी जो है वहां पे धरने पर बैठ चुके हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा जो है उनकी जो मांगे हैं उसका पहले भी पूरी नहीं हुई है, तो उसको लेकर इस बार इन्होंने जो है निर्णय लिया है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी धरने बैठ रहेंगे। और साथ ही जो सरकार है, सरकार को चेतावनी भी दी है, और वहीं नोएडा के जो बीजेपी के विधायक पंकज सिंह है उनको बकायदा लेटर लिख के जो है पत्र लिखकर अवगत कराया कि अगर उनके उनकी जो मांगे हैं पूरी नहीं होती है तो वह अपना धर्म परिवर्तन भी कर लेंगे, धर्म परिवर्तन करने वाले इस्लामिक धर्म अपना लेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से लंबे समय से लोग परेशान चल रहे हैं उसके चलते सरकार को भी चेतावनी देने लगे हैं। आपको बता दें कि जो ये वाल्मीकि समाज के लोग हैं इनका इतना भी कहना है कि अभी करीब 5,000 लोग ऐसे हैं जो अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो 5,000 लोग धर्म परिवर्तन करके इस्लामिक धर्म अपना लेंगे। और इसको लेकर जो आपको बता दूं, साथ ही जो नोएडा प्राधिकरण अधिकारी हैं वे अभी भी उनसे बात करने को तैयार नहीं है। और ये ज्यादा चिंता की बात है, ये ज्यादा चिंता की बात है कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी अभी भी इस मसले का हल निकालने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे। धन्यवाद आपका। आगरा में अब जल्दी ही निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम